यह जगह है उत्तराखंड की कैपिटल इन वेटिंग, पूर्व में प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण। हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में। यह स्थान चमोली जिले में स्थित है। पूर्व में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के काफी प्रयास हुए हैं। गैरसैंण मैदानी एवं पहाड़ी दोनों तरह की भौगोलिक विशेषताएं लिए सुंदर भूभाग है। यह समूचे उत्तराखंड के मध्य में सुविधा संपन्न क्षेत्र माना जाता है। उत्तराखंड राज्य के मध्य में होने के कारण वर्षों से चले आ रहे उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के रूप में सर्वमान्य स्वीकार किया जाता रहा है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की जलवायु को गर्म माना जाता है। यहाँ की बाजार, यहाँ के नाम को चरितार्थ करते कुछ सुंदर दृश्य स्क्रीन में देख सकते हैं। गैरसैंण दो शब्दों से मिलकर बना है, गैर तथा सैंण। स्थानीय बोली में गैर का अर्थ है गहरा तथा सैंण नामक शब्द का अर्थ है समतल। यह एक ऐसा स्थान है जो मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं लिए है। गैरसैंण पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा रुद्रपुर व हल्द्वानी के मध्य स्थित पन्नगर है। गैरसैंण पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पन्नगर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से सुविधानुसार टैक्सी अथवा कार द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। गैरसैंण के लिए दूसरा निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 235 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे जंक्शन रामनगर में है, जहां से गैरसैंण की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। दूसरा निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है, जहां से गैरसैंण लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों रेलवे स्टेशन से चलने वाली रोडवेज अथवा प्राइवेट बस के साथ टैक्सी द्वारा गैरसैंण आसानी से पहुंचा जा सकता है। गैरसैंण से आगे पर हम पहुंचे सलियाना। यहां से एक रोड उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा भवन की ओर, जहां विधायक आवासीय परिसर भी हैं, जिसकी दूरी यहां से 6 किलोमीटर। आगे इसी तरह कभी चढ़ाई कभी ढलान लिए मार्ग में हम अपना सफर जारी रखे। इस चैनल में हम पूर्व में उत्तराखंड के कई अन्य दर्शनीय स्थलों जैसे नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, रानीखेत, चकोड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऋषिकेश और देश के दूसरे हिस्सों बनारस, आगरा आदि स्थानों से जुड़ी जानकारी देते वीडियो बना चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।